गरीबों के बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देंगे, मेरी जिम्मेदारी है। आपके बच्चे मेरे बच्चे हैं, मैं आप मेरे मेरा एक बेटा एक बेटी है, उनसे अलग नहीं मानता मैं आपके बच्चों को। जैसी शिक्षा मैं अपने बच्चों को देता हूँ, उससे अच्छी शिक्षा दिलाऊंगा मैं आपके बच्चों को। आपके बच्चों को भी बड़ा बड़ा होकर डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे। अभी आपके विधायक ने जैसे बताया, यहाँ से कई बच्चों का नीट में पास हो गए। नीट का मतलब डॉक्टरी का इम्तिहान जो होता है। कई बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं सरकारी स्कूलों से, कई बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। जेई सबसे मुश्किल परीक्षा होती है। सबसे पहले तो दिल्ली सरकार और दिल्ली शिक्षा विभाग का सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। क्योंकि हर दो चार छः महीने में आप दिल्ली के हर एक इलाके कोने में एक नया स्कूल खुलते, उन स्कूलों का इनोग्रेशन उद्घाटन होते हुए देख रहे हैं। कहीं SOSC स्कूल खुल रहे हैं तो कहीं SKB खुल रहे हैं, कोई गवर्नमेंट बॉय तो कहीं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हालांकि सभी स्कूल बहुत कमाल के हैं, सभी स्कूल तो स्कूल हैं, और स्कूल जब खुलते हैं तो बच्चों को पेरेंट्स को काफ़ी हेल्प मिलती है। लेकिन उन सभी स्कूलों में एक ऐसा स्कूल जो संगम विहार में खुला है, वो अपने आप में बहुत ही कमाल का स्कूल है, बहुत ही क्वालिटी लेके चल रहा है। इस स्कूल के बारे में आपको पता ज़रूर होना चाहिए। ये स्कूल संगम विहार के लिए वरदान साबित है। अब ये वरदान क्यों है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता दूँ, स्कूल बहुत ही कमाल का है। इस स्कूल में लगभग, क्योंकि संगम विहार में बहुत पतली गलियाँ, आप ये चलें कि पैदल चलने वालों को जगह नहीं मिलती है, कई बार ऐसे मौके आते हैं। वहाँ पर इतना बड़ा सा स्कूल खुला, बहुत एक तरह से बड़ी मशक्क़त, और ये कह सकते हैं कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसा स्कूल जिसमें लगभग 100 से ऊपर के कमरे हैं और 60-70 के करीब क्लासरूम हैं, लेबोरेटरी, हर एक फैसिलिटी इस स्कूल में है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि साइंस साइड की फैसिलिटीज वहाँ पर है, आपको लेबोरेटरी मिलेंगे, सारे सारे लाइब्रेरी, इतने गजब की लाइब्रेरी वहाँ पर आपको मिलेंगी, साथ में वोकेशनल सब्जेक्ट। लेकिन ये वरदान क्यों है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्डिंग देखकर एक बार को यही लगता है कि किसी प्राइवेट स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग होगी, पर ये है दिल्ली सरकार का गवर्नमेंट स्कूल। दिल्ली के संगम विहार देवली पहाड़ी इलाके को 30 साल बाद नया सरकारी स्कूल मिला है। लंबी जद्दोजहद के बाद CM केजरीवाल के शिक्षा मॉडल के तहत बनाया गया ये सरकारी स्कूल अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। परिसर में 60 क्लासरूम्स हैं, जिनमें बच्चों के बैठने के लिए नए बेंच, लाइब्रेरी, हाईटेक साइंस लैब बनाई गई है, जिससे ये सुनिश्चित रहे कि बच्चों की पढ़ाई और प्रैक्टिकल शिक्षा संबंधित हर अपरेटस मौजूद है। लेकिन सारी सुविधाएं, बिल्डिंग प्रेमाइसेस और सब कुछ प्राइवेट स्कूल से भी कहीं बेहतर है। ये है साइंस लैब, क्योंकि 12th तक के बच्चों की यहाँ पर स्टडी होती है, तो जो बच्चे साइंसेज लेते हैं उनके लिए ये लैब है। और अपरेटस आप देख रहे हैं कि साइंस के स्टूडेंट्स के लिए उद्घाटन करने खुद दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री आतिशी जी पहुंचे। इस मौके पर संगम विहार के आसपास के लोग विशेष तौर पर इस नए स्कूल के उद्घाटन के मौके। ये एक्टिविटी रूम साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज के साथ वोकेशनल कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। यहाँ 6th क्लास से 12th क्लास तक 6000 बच्चों को पढ़ाने की क्षमता है। लेकिन ये वरदान क्यों है मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। संगम विहार की हिस्ट्री, यहाँ पर 3 स्कूल हैं संगम विहार में, तीनों स्कूल बच्चों से ओवरफ्लो रहते हैं। मतलब क्योंकि सघन आबादी वाला इलाका है तो बच्चे इतने ज़्यादा हैं कि यहाँ पर स्कूलों में एडजस्ट नहीं होते। बाकी स्कूल संगम विहार से बड़े दूर दूर हैं और यहाँ के बच्चे बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। कुछ स्कूल 10वीं तक हैं, उन्हें 11th में जाना है, साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, कहाँ जाएं, ये बड़ी समस्या थी। दूसरे कुछ स्कूल हैं जो जिनमें कॉमर्स नहीं है, साइंस नहीं है, वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं था।
अब बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम होती थी कि 10वीं तक तो बच्चे आराम से पढ़ गए, 11th में जैसे वो पढ़ते हैं काफ़ी सारे मतलब बहुत बड़ी संख्या में बच्चे ड्रॉप आउट कर जाते थे, या तो ओपन से पढ़ो अपना जॉब ऑफ कर लो, क्योंकि दूर स्कूल भेजना पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। खास करके लड़कियों के साथ मैंने देखा कि पेरेंट्स उन्हें आगे भेजते ही नहीं है, स्कूल दूर है। सबसे बड़ी बात तो ये कि लाना ले जाना कैसे होगा, खर्चा होगा, और आजकल जो है माहौल भी थोड़ा इस तरह का है कि पेरेंट्स जो है नहीं भेज पा रहे थे। ऐसे में बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही थी। अब जो नया स्कूल खुला है यहाँ पर इजीली जो स्कूल में साइंस नहीं है बच्चे साइंस इस स्कूल में जा सकते हैं, कॉमर्स लेने इस स्कूल में जा सकते हैं, यहाँ पर सारी फैसिलिटीज है। लैब अगर आपको वेल मेंटेन बहुत कमाल के बड़े लैब हैं, आपको लाइब्रेरी मतलब तीन तीन चार चार लाइब्रेरी है और बहुत ही कमाल की, मतलब सारी चीज़ें बहुत ही गजब हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा संगम विहार वालों को कि भैया आप लोगों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये स्कूल। बाकी आपके इलाके में जो स्कूल खुले हैं वो किस किस तरीके से हैं, कितने अच्छे हैं, वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है, क्या क्या कमियाँ देखने को मिल रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। संगम विहार इलाके से आप लोग कितने बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप कितना हैप्पी हैं इस स्कूल को खुलने के बाद और इस स्कूल की क्वालिटी जानने के बाद, क्योंकि साइंस साइड इसमें, कॉमर्स इसमें है, आर्ट्स इसमें है, वोकेशनल सब्जेक्ट इसमें है, लैब इसमें है, लाइब्रेरी इसमें है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको इजीली मतलब सब कुछ बढ़िया तरीके से सेटल आपको दे रखा है, तो यार लाभ ज़रूर लें। यहाँ पर तो अभी हमारी जो है माइक्रोस्कोप में स्टेजेस जो सेल डिवीज़न होता है, हाँ, तो उसकी स्टेजेस चल रही हैं, तो उसमें हम माइटोसिस की स्टडी कर रहे हैं। जो इस लैब को बनाया है इसमें हमने बहुत मेहनत की है, और इसके लिए इन बच्चों ने भी हमारे साथ में बहुत मेहनत की है। इसमें जितने भी एपरेटस आए हैं उसके लिए हमने बहुत मेहनत की है, और यहाँ पर एक बहुत अच्छी लैब जिसको सारे डिपार्टमेंट ने उसकी सराहना की है कि बहुत अच्छी लैब है, इतनी ये परफेक्ट लैब होती है। पिछले जो ये रिजल्ट रहा है एक बच्चे के 96% है और बायो में 99 नंबर है उसके। बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ पे 90 कमरेज है, कमरे हैं, लैब्स भी मैम बहुत सारे, केमिस्ट्री लैब है, बायोलॉजी लैब है, अदर्स लैब्स भी है यहाँ पर, लाइब्रेरी यहाँ पर तीन तीन लाइब्रेरी है। और मैम उस स्कूल में जो कैपेसिटी थी स्टूडेंट्स की, वो मैम 90 बच्चे एक साथ बैठ के पढ़ा करते थे, तो बहुत सारे बच्चे बहुत एक ही क्लास में। यस मैम, मतलब अरेंज करना बहुत ही मुश्किल होता था, टीचर को संभालना ही बहुत मुश्किल होता था, तो इस वजह से कुछ स्टूडेंट्स इस स्कूल में आए। बहुत सारे इक्विपमेंट्स आए नए नए, और यहाँ पर जो लैब्स हैं वो वेल कंडीशन में है, वो जिस वजह से हमें पढ़ने में आसानी होगी। न्यू स्कूल में डिफरेंस कैपेसिटी का भी, एक रूम्स का भी डिफरेंस है, और मैम जो लाइब्रेरी है पहले वाले स्कूल में एक लाइब्रेरी थी, ठीक है, और इस वाले स्कूल में दो से तीन लाइब्रेरी। और यस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें ताकि बच्चों को इस तरह से पता लगे कि भाई स्कूलों में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या क्या दिक्कतें आनी चाहिए, और जो बच्चे दूर स्कूल में जा रहे थे उनको अपने घर के नज़दीक साइंस आर्ट्स कॉमर्स तीनों स्ट्रीम, वोकेशनल चारों स्ट्रीम करने को मिलेंगे। तो यार इसी तरह से आपको सारी नई अपडेट लगातार शेयर करते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। जय हिंद।